तो रेल फैम, इंडियन रेलवे के एग्जिस्टेंस के दो सबसे मेजर पार्ट्स हैं, ट्रैक्स एंड ट्रेन्स। ट्रैक्स जहाँ एक बैकएंड जैसा काम करते हैं, जहाँ वो ट्रेन्स को रन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वही ट्रेन्स फ्रंट एंड जैसा काम करती है, जहाँ लोग इनमें बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। अब इन ट्रेन्स के भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कोचेस एंड लोकोमोटिव्स, और दोनों की ही भूमिका बहुत अहम है। कोचेस में लोग बैठकर सारी फैसिलिटीज के साथ आरामदायक सफर कर सकते हैं, वहीं लोकोमोटिव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कोचेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। इंडियन रेलवे के इनिशियल डेज में डिमांड के अकॉर्डिंग ट्रेन्स छोटी हुआ करती थी, तो इनको पुल करने वाले लोकोमोटिव भी उसी अकॉर्डिंग बनाए जाते थे, जहां वो एक स्पेसिफिक लोड पुल करने में सक्षम होते थे। फिर धीरे धीरे दोनों पैसेंजर सेगमेंट एंड फ्रेट सेगमेंट में इंडियन रेलवेज की डिमांड के बढ़ने के साथ नए और ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव्स की नीड होने लगी। एक लोकोमोटिव की पावर ही डिसाइड करती है कि वो कितना लोड आसानी से पुल कर सकता है, और इसी नीड के हिसाब से इंडियन रेलवेज अपनी लोकोमोटिव फ्लीट को अपग्रेड करता रहता है। आज इंडियन रेलवेज की लोकोमोटिव फ्लीट में वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव शुमार हैं, और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप में से 97% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। ऑल्सो इस लिस्ट में मैं एक्सपेरिमेंटल लोकोस जैसे कि वैग 10 एंड वैग 11 को कंसीडर नहीं करूंगा, एज वो पटरियों पे रेयरली दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं 10th मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ इंडियन रेलवे से। इस पोजीशन पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल 4 लोकोमोटिव्स हैं, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4D एंड WDG-4G। ये सारे लोकोमोटिव की हॉर्स पावर रेटेड है 4500 HP। WDP-4B, WDP-4D, WDG-4D जहां इलेक्ट्रोमोटिव डीजल EMD के द्वारा बनाए गए हैं एंड लेटर वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में मैन्युफैक्चर हुए हैं, वहीं WDG-4G जनरल इलेक्ट्रिक जी के द्वारा मरहरा बिहार में बनाए जाते हैं। इनमें WDP-4B एंड 4D जहां मेनली पैसेंजर ट्रेन्स को पुल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वहीं WDG-4D एंड WDG-4G फ्रेट ट्रेन्स के लिए। नंबर नाइन पे आता है दोनों AC एंड DC ट्रैक्शन पे काम करने वाले एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के द्वारा बनाए जाने वाले WCAG-1 एंड WCAM-3 लोकोमोटिव्स। ये दोनों लोकोमोटिव AC ट्रैक्शन में 5000 हॉर्स पावर एंड DC ट्रैक्शन में 4600 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करते हैं। WCAG-1 एक गुड्स कैटेगरी का लोकोमोटिव है, वहीं WCAM-3 एक मिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां वो फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रेन दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। नंबर एट पे आता है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गुड्स एंड पैसेंजर लोकोज, वैग 7 एंड वैग 4। ये दोनों लोकोमोटिव्स 5,350 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। वैग 4 जो कि चतरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW ने बनाया है, वहीं वैग 7 CLW एंड भेल ने मैन्युफैक्चर किया है। नंबर सेवन पे आते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा बनाए गए WDG-5 लोकोमोटिव्स। इस लोकोमोटिव की मैक्सिमम आउटपुट है 5,500 हॉर्स पावर की एंड इसे मेनली फ्रेट ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। नंबर सिक्स पे विराजमान है इंडियन रेलवेज का फास्टेस्ट लोकोमोटिव WAF-5। ABB के द्वारा बनाया गया यह लोकोमोटिव टोटल 6,000 HP की पावर प्रोड्यूस करता है और मैक्सिमम 225 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हॉर्स पावर का सीधा रिलेशन स्पीड से होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई लोकोमोटिव ज़्यादा हॉर्स पावर का है तो ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा फास्ट भी होगा। हॉर्स पावर मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी डिसाइड करता है, वहीं स्पीड डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बढ़ते हैं टॉप 5 मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स की तरफ। नंबर 5, जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा मरहरा में ही WDG-6G लोकोमोटिव्स बनाए जा रहे हैं, जो इंडिया के मोस्ट पावरफुल डीजल लोकोस भी हैं। ये लोकोमोटिव 6000 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हैं और इसी के साथ इन्हें मोस्ट पावरफुल डीजल लोकोस का खिताब मिल जाता है। नंबर फोर पे एक ऐसा लोकोमोटिव है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ वैग 6 लोकोमोटिव्स की। इन लोकोमोटिव्स के टोटल 18 यूनिट्स ASEA एंड हिताची से इंडिया में इंपोर्ट किए गए थे और ये काफी सालों तक इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोकोस रहे थे। इनका मैक्सिमम आउटपुट 6,280 हॉर्स पावर का हुआ करता था, बट अब ये सारे लोकोमोटिव्स ऑलमोस्ट या तो कंडेम हो चुके हैं या फिर डिपार्टमेंटल ड्यूटीज में यूज किए जाते हैं। अब बारी है टॉप 3 मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव्स की। क्या आप गैस कर सकते हो कि इन टॉप 3 लिस्ट में किन किन लोकोमोटिव्स ने अपनी जगह बनाई है?
चलो मैं बताता हूँ। नंबर थ्री पे आता है नन अदर देन मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव इन पैसेंजर कैटेगरी जो है वैप 7। इस लोकोमोटिव को CLW द्वारा वैग 9 के गियर रेशियो में कुछ बदलाव करके बनाया गया था, जिसका फाइनल आउटकम था इंक्रीज स्पीड के साथ साथ वैग 9 की एग्जिस्टिंग पावर। ये लोकोमोटिव अपने मैक्सिमम आउटपुट में 6,350 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, जो इसे थर्ड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव बना देता है। नंबर टू पे आता है इंडियन रेलवेज का मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव टिल डेट। मैं बात कर रहा हूँ वैग 9 की। इस लोकोमोटिव के आज तक इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए गए हैं और अभी भी प्रोडक्शन में है। वैग 9 के वैसे तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट जो सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है वो है वैग 9HH। ये मैक्सिमम 9000 HP की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं वैग 9 के बेस वेरियंट 6,350 हॉर्स पावर की प्रोड्यूस करते हैं। एंड फाइनली इंडिया का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव जो है एल्स्टॉम के द्वारा बनाया गया वैग 12 लोकोमोटिव। इस लोकोमोटिव को बिहार के मधेपुरा में मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस लोकोमोटिव का मैक्सिमम आउटपुट है 12,000 हॉर्स पावर, जो बना देता है इसे इंडिया का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव। तो ये थी इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की डिटेल्स। आने वाले दिनों में हमें साइमंस के द्वारा 9000 HP के नए लोकोमोटिव्स देखने को भी मिलेंगे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलता हूँ जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग।